हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, सेहत का ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, सेहत और फैमिली नंबर वन, बाकी सब नंबर टू। आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ कैसे टकाटक रहेगी। ठीक है मैम, देखिए आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा मास्क टाइट कर लूँ, मेरा मास्क थोड़ा लूज़ हो गया है। अब आप लोग बोलेंगे भाई मास्क निकालता क्यों नहीं है। देखिए उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अभी, जब होगा तो मैं मास्क खुद निकाल के, एक दिन जब वीडियो आएगा आप खुद देखेंगे मेरा मास्क नहीं होगा, उस दिन आप लोग बोलेंगे वाह। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विद मी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है आई एम सॉरी, बट मेरे इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, मास्क पे क्यों ध्यान देते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो है लिथुएनिया TRP के बारे में, कि आपको अपना मिग्रिस कैसे ट्रांसफ़र करना है, हाउ टू ट्रांसफ़र योर मिग्रिस फ्रॉम वन VFS टू अनदर VFS। मैं आपको टकाटक यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपको ये जानना है वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले आपको आना है इधर। ठीक है, ये देखिए ये आपकी वेबसाइट है, ये यहाँ पे रेजिडेंस परमिट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप आ गए, और ये देखिए इन्होंने कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया। मैं इसी में से आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसी में से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, कि समझ लीजिए आपके पास लिथुएनिया का वर्क परमिट जब आपके पास आपके हाथों में आता है, ये आपके हाथ में परमिट आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मिग्रिस में लॉगिन करना होता है। मिग्रिस में लॉगिन करके देखिए, आइडली स्पीकिंग आपका एम्प्लॉयर ये काम करना चाहिए, मीडिएशन लेटर मिग्रिस में लॉगिन करके आपके एम्प्लॉयर को बनाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मीडिएशन लेटर है उसी में आपका कोड के नीचे आपका मिग्रिस नंबर, जो LLG करके नंबर होता है, वो उसमें जनरेट होता है। ये एम्प्लॉयर का काम होता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है आप रिक्वेस्ट करिए, अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, वेयर कैन आई अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड ब्लैक में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसी में अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यू मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एन इशू और रिन्यूअल ऑफ टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द लिथुएनियन माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको मिग्रिस भी बोला जाता है। ये अगर आप लाइन देखिए यहाँ से, ये पहली दो लाइन, ये देखिए जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ गए, मतलब मिग्रिस में आपको अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के आप वहाँ से अपना सबमिट कर सकते हैं अपना जो आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड आफ्टर बुकिंग द विजिट टाइम थ्रू मिग्रिस, इसको ब्लू करना पड़ेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे अभी हरा किया हुआ है, इसको पढ़िए, मतलब बुकिंग टाइम जो है, ये देखिए ये लाइन पढ़िए, आफ्टर बुकिंग टाइम विजिट थ्रू मिग्रिस, ये लाइन क्या है, बुकिंग टाइम थ्रू मिग्रिस, देखा आपने ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है यहाँ पे, देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। ठीक है, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड आफ्टर बुकिंग द विजिट टाइम, मतलब आपका जो VFS है वो मिग्रिस से ही ट्रांसफर होगा, मिग्रिस से ही ट्रांसफर होगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपने मिग्रिस में लॉगिन किया, जब आप मिग्रिस में लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा आपका एक पेज खुलेगा, इस पेज पे जब आप आते हैं लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए ये आई वॉन्ट टू सबमिट अ मीडिएशन लेटर, आप देख रहे हैं इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद जो आपने VFS दिया होगा उस VFS को आपको चेंज कर देना है, ये देखा आपने यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जो भी VFS आपने पहले सेलेक्ट किया होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो वहाँ से जब आप चेंज करके सबमिट कर देंगे तो आपको मेल आ जाएगी, योर VFS हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम VFS सो एंड सो टू VFS सो एंड सो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। कभी कभी देखिए टेक्निकल ग्लिच होता है, आप चेंज करने के बाद सबमिट करते हैं तो नहीं होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो बार में भी नहीं होता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप ईमेल आईडी पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको ईमेल आईडी भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, कौन सी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैंने बहुत बार बताया, info@migrisija.lt, info@migrisija.lt, आप वहां से जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो ईमेल आईडी भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, गेट इन्फॉर्मेशन,
आप जब आते हैं migrisija.lt में, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ईमेल आईडी यही है, यहाँ से आके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये देखिए थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए इन्फॉर्मेशन ऑन माइग्रेशन सर्विसेज, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ईमेल info@migrisija.gov.in, देखा आपने, समझ गए। सिंपल तरीका है, अगर आपका सबमिट नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भेज दीजिए। लेकिन देखिए 99% केसेस में यहाँ से आपका काम हो जाएगा, तो इसलिए फ्रेंड ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी पेज दिखाया जहाँ से मैंने आपको बताया कि आप अपनी बुकिंग बुक कर सकते हैं, जो मैंने अभी हाईलाइट किया था, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि जो लोग बीच में स्किप करके देखते हैं, ये देखिए ठीक है, मिग्रिस से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप नीचे आएंगे, इन्होंने पूरा लिखा हुआ है कितनी फ़ीस है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट कैसे लगाना है, ये देखिए 840 यूरोज पर मंथ के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा, डू आई नीड टू लीगलाइज डॉक्यूमेंट, लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताया हुआ है कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। और फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ कि इसमें लिखा है कि हाउ मच कॉस्ट इट विल टेक फॉर 160 यूरोज फीस बताई है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, बैंक स्टेटमेंट आपको कितना लगाना है, 840 यूरोज पर मंथ के हिसाब से आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेज जो लिथुएनिया में है 840 यूरोज ऐसे करके लगाया है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है लीगलाइज करने के लिए, इसमें बताया गया है जो भी कंट्री हक कन्वेंशन का पार्ट नहीं है उसको लीगलाइज करना है, इंडियन नेशनल को केवल अपोस्टाइल करना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग प्रोसेस, देखिए प्रोसेस का कितना बताया है, 3 महीना बताया है, तो देखिए इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 90 डेज वेट टाइम है, लेकिन 45 डेज भी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अगर आपने अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई किया है तो 45 डेज, अर्जेंट बेसिस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू मेल करा सकते हैं, या कवर लेटर में लिख सकते हैं, या एम्बेसी को मेल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 3 महीने का वेटिंग टाइम तो है, इसलिए अगर आपने सबमिट किया है तो 3 महीने वेट करिए, 3 महीने के पहले ही अपना ब्लड बॉइल करना शुरू मत कर दीजिए। कुछ लोग तो आज सबमिट करते हैं कल बोलते हैं मेरा TRP कब आएगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है यार, एम्बेसी को भी थोड़ा टाइम दीजिए, VFS को भी टाइम दीजिए, आज ही सबमिट किया 2 दिन बाद मेरा कब आएगा, ऐसे नहीं होता। पेशेंस, धैर्य सबसे नंबर वन, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए लीगलाइज फ्रेंड, इस चीज़ को समझ लीजिए, जो भी कंट्री हक कन्वेंशन का पार्ट नहीं है उसको सुपर लीगलाइज करना है, ठीक है। अब उसमें मैं बात नहीं करूँगा फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि आपको कैसे अपना VFS ट्रांसफ़र करना है, मैंने आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई वॉन्ट टू सबमिट ए मीडिएशन लेटर पे जाइए, जो VFS आपने सेलेक्ट किया है, जो भी VFS आपको चाहिए उसको हटा के वो VFS डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए फिर से लेटर, और आप देखेंगे कि आपके सामने एक मेल आ जाएगा, उस मेल में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है, info@migrisija.gov.lt पे मेल करके अपना मीडिएशन लेटर का स्क्रीनशॉट लगाइए, उनको बोलिए, वो खुद ही आपकी हेल्प कर देंगे। सिंपल तरीका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं, मेरा गाइडेंस का पैकेज ले सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं फ्री में आंसर करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको डिटेल में गाइडेंस चाहिए प्लीज़ मेरा गाइडेंस का पैकेज लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, आज एक क्वेश्चन पूछते हैं, 1 महीने बाद फिर से आते हैं, ये नहीं चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर स्मार्ट हैं, थोड़ा बहुत स्मार्ट तो मैं भी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए, बाय बाय।